आज हम फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का सेकंड टॉपिक करेंगे, सिचुएशन क्लॉज। इन दिस क्लॉज द नेम ऑफ द स्टेट इज मेंशन इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएटेड। ऑन द बेसिस कहते हैं कि जुडिशियंस ऑफ द कंपनी डोमोसाइल नेशनलिटी क्या होती है, इनकी फिक्स होती है। बाय सिचुएशन क्लॉज ये डिसाइड करता है कंपनी इंडियन कंपनी है, फॉरेन कंपनी है कोई एक। जनरली इसमें फुल एड्रेस ऑफ द कंपनी का रजिस्टर्ड होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर एट द टाइम ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। बट इफ दिस इज डन द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी विल बी सेंड टू द रजिस्ट्रार। 30 डेज के अंदर अंदर हमें इसको रजिस्ट्रार कंपनी के ऑफिस में भेजना होता है। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के अंदर कहता है कि जब आप रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर भेजते हैं इसे, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विच इज अर्लियर वो भी हमें बतानी पड़ती है। द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज दैट प्लेस वेयर ऑल द स्टैट्यूटरी बुक्स ऑफ द कंपनी आर कैप। वहाँ पर रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर पता होना चाहिए जिस स्थान पर उनका ऑफिस सिचुएटेड है। ऑल द नेसेसरी नोटिस देना चाहिए, लेटर ऑफ द कंपनी कैन बी सेंड हेयर, एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द कंपनी कैन बी रिसीव इन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। कंपनी कैन रन द मेन बिजनेस एंड प्लेस अदर देन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। देर इज ए नॉट कहता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। इस क्लॉज के अंदर कहता है कि ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द अटेनमेंट विच द कंपनी इज एस्टेब्लिश आर स्टेटेड। दिस क्लॉज डिफाइन द पावर ऑफ द कंपनी एंड स्टेट दैट द लिमिट्स स्टैट्यूटरी कंपनी कैन नॉट बी डू एनी बिजनेस अदर देन बी स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। डिवाइड देयर ऑब्जेक्ट क्लॉज इन टू द फॉलोइंग टू पार्ट्स। फर्स्ट मेन ऑब्जेक्ट, इन द कंपनी हैज टू स्टेट दोज ऑब्जेक्ट अटेनमेंट ऑफ द विच कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, दोज ऑब्जेक्ट विच आर द हेल्पफुल एंड रिलेटेड विद द इंसिडेंटल टू अटेन द मेन ऑब्जेक्ट, एक्सिलरी और अदर ऑब्जेक्ट, दोज ऑब्जेक्ट फॉर द अटेनमेंट ऑफ द विच ए कंपनी इफ द नेसेसरी अराइज कैन वर्क और द नेवरथलेस दोज नॉट स्टार्टेड इन द पार्ट इन द रिलेशन ऑफ दोज कंपनी विच आर नॉट रिगार्डिंग कंपनी एंड हुज वर्किंग इज नॉट लिमिटेड टू ओनली ए सिंगल स्टेट। इट इज़ नेसेसरी टू गिव द नेम्स ऑफ द स्टेट दे वुड बी अटेन इट्स ऑब्जेक्ट। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कंपनी द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज प्रोवाइडेड। फर्स्ट इमोटिव, ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का शुड बी मैंशन होना चाहिए, इमोरियल होना चाहिए लाइक द प्रोपोजिशन, इलीगल होना चाहिए। कंपनी शुड बी एस्टेब्लिश फॉर एनी लीगल एक्टिविटीज लाइक ड्रॉइंग लाइक लॉटरी रनिंग ऑफ द गैम्बलिंग हाउस। अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी ए कंपनी शुड बी आल्सो नॉट बी एस्टेब्लिश एनी एक्टिविटीज विच इज अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी टू एस्टेब्लिश मोनोपोली टू द ट्रेड विद द सम फॉरन एनिमी। लाइबिलिटीज क्लोज के अंदर कहते हैं अकॉर्डिंग टू द कंपनी कहता है कि द लाइबिलिटीज क्लोज ऑफ द कंपनी लिमिटेड बाय द शेयर एंड द गारंटी मस्ट स्टेट द लाइबिलिटीज इज लिमिटेड। इन द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर लाइबिलिटीज क्लोज मीन्स द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी बी लाइबल टू फेस वैल्यू ऑफ शेयर परचेज बाय देम। इट मीन्स दैट ए कंपनी कैन नॉट बी रिसीव एनी अमाउंट ओवर द अबव फेस वैल्यू ऑफ इट्स लाइफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल यदि कोई पर्सन परचेज करता है 100 शेयर ही कैन नॉट बी कॉल्ड अपॉन टू अबव 500 इवन इफ द कंपनी बाउंड अप। इन केस यदि कंपनी क्या करती है लिमिटेड बाय गारंटीड लिमिटेड लाइबिलिटीज है मीन्स दैट द लाइबिलिटीज ऑफ द मेंबर इज इक्वल अमाउंट ऑफ द गारंटीड गिवन द टाइम ऑफ द वाइंडिंग अप। कंपनी लिमिटेड द गारंटीड मस्ट स्पेशली मैंशन द अमाउंट बाय द गारंटीड। गारंटी होगी शेयर होल्डर क्या होगी लाइबिलिटीज कैसी हो जाएगी लिमिटेड हो जाएगी, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर के सब्सक्राइब होंगे, अमाउंट द गारंटी गिवन बाय देम। इन केस यदि आप कंपनी को बाइंड अप करते हैं क्रेडिटर्स के सामने पे करते हैं तो इसके अंदर मेंबर्स कैन बी कॉल्ड अपॉन द वे वैल्यू ऑफ दी शेयर अलोंग विद द अमाउंट ऑफ गारंटीड गिवन बाय देम। तो उनके सामने क्या किया जाएगा इसको गारंटी के साथ गिव किया जाएगा उनको दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा कैपिटल ऑफ क्लॉज। इन केस कहता है कंपनी हैविंग द शेयर कैपिटल इट नेसेसरी दैट इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मस्ट बी मेंशन that as to what will be the authorized capital of the company in what manner the share will be divided. For example
द शेयर कैपिटल है कंपनी की 10 करोड़ है, विच इज़ डिवाइडेड इंटू द 1 करोड़ शेयर. विल नॉट बी नेसेसरी टू मैंशन डिफरेंट क्लास इफ शेयर बिकॉज ऑफ द डिटेल ऑफ द डिस्क्रिप्शन. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी उससे रिलेटेड, डिवीजन ऑफ द आपने जो इसके अंदर काम करवाया है. कॉरस्पॉन्डिंग राइट ऑफ द शेयर होल्डर को देना पड़ेगा, शुड बी द आर्टिकल्स के अंदर. एक कंपनी कहता है कि लाइफ टाइम कैन नॉट बी इशू शेयर बिहाइंड द रजिस्टर्ड अथॉराइज्ड कैपिटल, प्रॉपर अल्टरेशन इज डन. एवरी पर्सन साइनिंग द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मिनिमम 1 शेयर ईच. नेक्स्ट आता है लास्ट हमारा एसोसिएशन एंड द सब्सक्रिप्शन क्लॉज. दिस इज द लास्ट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. इस एसोसिएशन के अंदर कहते हैं कि पर्सन साइन करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर, पर्सन साइन करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक्सप्रेस देयर इंटेंशन ऑफ द कंपनी. दिस क्लॉज इज रिटन इन द फॉलोइंग मैनर. वी द फॉलोइंग पर्सन्स हुज नेम एड्रेस मैंशन होगा इसमें, फॉर्म बाय द कंपनी परस्यूज ऑफ दिस लॉ, रिस्पेक्टिव एग्री होगा, शेयर्स ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी सेट अपोजिट ओवर रिस्पेक्टिव name.